आपके ठीक सामने सलमान जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके जो करीबी दोस्त हैं संजय दत्त वो कुछ ही महीनों के बाद वो जेल से बाहर आने वाले हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं और क्या आपकी तरफ से पार्टी होने वाली है यार इसका जवाब आप ही दे दो एक ऐसा आदमी आता है पार्टी खराब करने के लिए फिर हमारे टीम से चलो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म लास्ट क्वेश्चन जी, जी सुना नहीं आपका सवाल क्या था जी नहीं नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं। जिनसे लेना चाहिए था उनसे नहीं लेते हैं है, लोग। है? है ना आपके पास हाँ मेरा सवाल था कि आ, आपके दोस्त बहुत ही जल्द जेल से आने वाले हैं तो क्या आप एक्साइटेड हैं और आपकी तरफ से पार्टी होने वाली है संजू की बात कर रहे हैं आप जी बिल्कुल संजू बाबा अभी बाहर निकलने वाले हैं कुछ आई थिंक दिसंबर में शायद वो आ जाएंगे फॉर गुड क्या खबर रखते भाई <laughs> अभी उनमें थोड़ा सा टाइम है इतने इम्पेट मत हो आप वो अगर आएंगे तो परोल या फरलो पे ही आ सकते हैं उनका थोड़ा सा I think, आगे तक का है। बट वन ही क्लियर एंड इज फ्री मैन दैट्स व्हाट वी वांट हिम टू कबीर जी तो एंड विद हिम कबीर जी एक सवाल आपसे बट इफ ही ट भरेगी no नहीं आई थिंक उतना तो ट्रेलर से समझ में आ जाता है कि हमारी क्या कोशिश है और क्या इंटेंट है फिल्म की uh, लेकिन एज ए सच ये एक बहुत warm, ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टोरी है इंडो पाकिस्तान जो भी एक है वो सब बैकड्रॉप है आई थिंक अल्टीमेटली ऑडियंस को वो जो दो कैरेक्टर्स हैं छोटी बच्ची है और बजरंगी का जो कैरेक्टर है उनकी कहानी फॉलो करनी पड़ेगी उनके साथ एक बारी वो अटैच हो जाएं फिर जो सारा बैकड्रॉप है वो कम एज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग लेकिन अमूमन ऐसा हुआ है कि इस तरह की कहानियों में वहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव थिंग जी उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ आई थिंक अननेसरी यू नो स्टीरो और जो अलग मुल्कों को अननेसली वर्लगर तरीके से उनकी जो बैशिंग होती है उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ मेरी किसी फिल्म में कभी ऐसा हुआ नहीं है ऐसे हम कह ही रहे हैं कि अगर आपको बैशिंग देखनी है तो ये फिल्म आपके लायक है नहीं नफ़रत देखनी है तो ये फिल्म आपके लायक है नहीं और अपने दोस्तों यारों को भी बोल दो कि अगर नेगेटिविटी देखनी है तो इस फिल्म के थिएटर के इर्द गिर्द भी ना घूमना क्योंकि मीलों तक आपको वो दिखाई नहीं देगी